देखो कन्वर्ट -4 3/5 रेडियन इनटू डिग्री -4 3/5 रेडियन इनटू डिग्री अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे समझी। -4 3/5 रेडियन कितना हो गया ये -23/5 रेडियन -23/5 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180/5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 180/5 डिग्री अब पाई की वैल्यू रख दो बेटा पाई से ये वैसे ये कैंसिल हो रहा है 36 तो -23 मल्टीप्लाइड बाय 36 22/7 डिग्री ये आपका 2 से कैंसिल हो गया 18 ठीक है यहाँ तक। अब 23 18 और 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा 23 18 और 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा। ट्वेंटी थ्री एटीन और सेवन सेवन एट से एटीन सेवन जाए तो कितना हो गया 126 126 हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 126 को आप 23 से मल्टीप्लाई करो सर 2898 2898 ये आ गया आपका -2898 अपॉन 11 डिग्री -2898 अपॉन 11 डिग्री अब 2898 को 11 से डिवाइड कर लो रफ में 2898 को 11 से डिवाइड कर लो 2898 डिवाइड बाय 11 263.4 कितना आया -263 डिग्री और 5/11 × 60 डायरेक्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता मिनट 5/11 × 60 मिनट ये मिनट में कन्वर्ट हो गया भैया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये कितना हो गया 300/11 300/11 करो सो 300/11 कितना हो गया -263 डिग्री कितना हो गया 27 मिनट और 3/11 × 60 सेकेंड यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा आवाज में दिक्कत तो नहीं है आज बोलिए। नो सर 180/11 जैसे कल और भी ज्यादा सही हो जाएगा क्योंकि कल तक जियो फाइबर लग जाएगा क्योंकि पेमेंट तो कर दिया बस इसने आज कनेक्शन लगाया नहीं तो 17 सेकंड कितना बेटा 17 16 अप्रोक्स लिया है नहीं अप्रोक्स ले गया नहीं बेटा अप्रोक्स कब लेते हैं मैं जब यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा आता हूँ तो 16 लेनी है क्योंकि 16.3 को अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितना आएगा निपुण
ठीक है ना बेटा। तो ये 16 पापा को दिखाना है आज, है नहीं पुण? पापा को दिखाने आए हो? चलिए ये 16 सेकंड हो गया, लिख लीजिए। इस प्रॉब्लम में कोई डाउट इंक्वायरी है? बेटा सभी ने कॉपी कर लिया? ये बोलिए। यस सर। नेक्स्ट convert 11 by 16 radian into degree. Convert 11 upon 16 radian into degree. Eleven upon 16 multiplied by 180 upon pi degree. थ्री हंड्रेड फिफ्टीन अपॉन एट डिग्री। अब 315 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया? सारा बोल क्या? 39 आ रहा। तो 39 डिग्री 3/8 इंटू 60 मिनट। 39 डिग्री 3/8 इंटू 60 मिनट।39 डिग्री 22 मिनट एंड हाफ इंटू 60 सेकेंड। और 30 सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से आप डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन को डिग्री में, और डिग्री से रेडियन भी कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, वो तो बड़ा इजी काम है। यदि आप एक और प्रॉब्लम की बात करें अपन, हाँ यहाँ पर, हाँ देखो एक और लिखो। अब मैं डिग्री को रेडियन में भी बात कर लेता हूँ। कन्वर्ट -47 degree 30 minutes into radian.
कन्वर्ट माइनस 47 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। अक्षर क्लियर है बेटा पहला वाला 11 अपॉन 16 डिग्री रेडियन वाला अक्षर? कोई दिक्कत? 10 6 16। चलिए अब देखो इसको रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो आपका मिनट आ रहा है इसको रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, 47 और 30 अपॉन 60 डिग्री मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है? 60 मिनट, इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 47 वन बाय टू डिग्री, कितना हो गया? माइनस 95 बाय टू डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, माइनस 95 बाय टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय 180 रेडियन, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये फाइव से कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर माइनस 19 पाई बाई 72 रेडियन, माइनस 19 पाई अपॉन 72 रेडियन, ये इसका वैल्यू है। क्लियर है ये? ठीक सर, ये 95 कैसे आया बेटा? 5 से कैंसिल हुआ ना 95, इधर एक वापस। नो सर, ये 47 बट बाय, अच्छा 47 वन बाई टू, सॉरी 55 होगा या कि 95 ही होगा? सही तो लिखा बेटा यार शिवांग, 47 इंटू टू 94 प्लस 1 95 ही तो आ रहा है शिवांग। आप अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है? हाँ, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हाँ। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपको, ये 5 से कैंसिल हो गया आपका, तो यह कितना हो गया हमारा? अच्छा ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, नहीं 9 हो गया, तो माइनस 19 पाई बाय 72। पहले सही लिखा था, लिख लिया ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट वाले लिखवा रहे हैं, जो ही पूछी जाती है आपके एनसीईआरटी की। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोर्ड ए 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोन। माइनर आर्क ऑफ द कोन, डायमीटर कितना है? 40, तो रेडियस कितना हो गया और लेंथ ऑफ कोर्ड भी क्या है? देखो क्या बनाएगा ये सर्कल, बनाओ देखो ये सर्कल बना, ये रेडियस 20, ये भी रेडियस 20 और इसका ये कोर लेंथ भी 20, तो बेटा ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया भाई? 60 डिग्री हो गया। इसमें किसी को डाउट ऑनलाइन बेटा? इसमें नो सर, अब ये 60 डिग्री हो गया।
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए बेटा, क्योंकि एस इक्वल टू, याद करो कल क्या बताया था, एस इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज ऑलवेज एंगल इन रेडियन, तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो बेटा, पाई बाय थ्री रेडियन। तो हमें ये आर्क की लेंथ निकालनी बेटा, जिस आर्क लेंथ एस, तो आर है हमारा 20, पाई बाय 10 सेंटीमीटर, बस ये आंसर है, कोई पाई की वैल्यू नहीं रखनी बेटा, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, तो द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोण ट्वेंटी बाई थ्री पाई सेंटीमीटर, सभी को क्लियर है ये, बोलिए यस लिख लीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसमें से थ्योरी और कुछ क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा है वो भी आप करते रहेंगे। तो ये तो हमारा देखो, एक तो हमने कन्वर्जन कर लिया, जैसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगेन सेंटीसिमल सिस्टम हमारे काम का नहीं है, जो ग्रेड सिस्टम हमने कल बताया था वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, तो वो आपको याद रखना है कि वो फ्रांस में यूज होता है, तो बस हमें वो सिस्टम हमें से ऐसे ही याद रखना है। चलिए अभी प्रॉब्लम लिखो, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन 80, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन 80, एपी जानते हैं सभी भाई, ट्वेल्थ क्लास पढ़ के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ी, बस ये नहीं बोलूंगा कि पास हो क्या है, अरे तो क्या होता है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन 80 इज द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, द नंबर ऑफ डिग्री है बेटा, ये अट गया था कौन सा, किसका पार्ट अट गया, अरे वो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हटी थी, वर्ड प्रॉब्लम, ओनली वर्ड प्रॉब्लम हटी थी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट, भाई सच्ची ये नहीं बोल सकती कि मैंने नहीं पढ़ा, द नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट Find the angle in degree. ऐसे 80 साल भी आएगा आपको, चैप्टर है आपको, Find the angle in degree। तो देखो एंगल सब पर ट्राइंगल आ रही है 80, आपको पता है याद आया, कभी भी तीन नंबर ए में लेते थे तो क्या लेते थे, ए माइनस बी ए और ए प्लस, ए माइनस बी ए और ए प्लस, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का आएगा बेटा, मध्य में वैसे बता दू, ओए हीरो, लेट एंगल्स इन डिग्री आर A माइनस बी डिग्री, A डिग्री एंड A प्लस बी डिग्री,
अब यदि ये तीनों एंगल डिग्री में है तो इनका सम किसके इक्वल होगा, और आधे सम किसके इक्वल होगा बेटा बोलो, तीनों एंगल डिग्री में है तो इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा बोलो भाई, कोई ऑनलाइन 180 डिग्री बोलो, a माइनस b प्लस a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है बेटा देखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, तो लीस्ट एंगल इक्वल टू ए माइनस बी डिग्री, और ए आया आपका 60, तो 60 माइनस बी डिग्री, लीस्ट एंगल आ गया हमारा 60 माइनस बी डिग्री, ग्रेटेस्ट एंगल अनिश्चित ग्रेटेस्ट एंगल कितना है बोल, कितना आएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी डी डिग्री, ए आपका 60, अब एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, क्यों ये देखो क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट, मतलब जो भी ग्रेटेस्ट एंगल है उसको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, अरे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 बाय 5, और गोविंद किधर है सर, पाई बाय 1, पाई बाय 180, हां कंफ्यूज कर रहा हूं, पाई अपॉन 180 डिग्री, अब इनका रेशियो गिवन 60 माइनस बी डिग्री में एंगल, 60 प्लस बी पाई बाय 180, ये रेशियो गिवन है आपको 60 अपॉन पाई, ये हमें रेशियो गिवन है 60 अपॉन, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को बोलिए, अब देखो आगे अनेसी ऊपर आ गया, देखो जो कैंसिल हो रहा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस डी इक्वल टू 60 प्लस डी, करो मल्टीप्लाई, डी का वैल्यू कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, 30, सो देयरफॉर एंगल इन डिग्री आर 10 डिग्री आर, फर्स्ट एंगल था हमारा 60 माइनस 30, फिर ए 60 और 60 प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दीज आर द एंगल्स इन डिग्री, तो ये हमारा एंगल्स इन डिग्री आ गया, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दीज आर द एंगल्स इन डिग्री, क्लियर,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखो। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path with always keeping the rope tied and describe the 88 meters when it has stretched out 72 degrees at the center. 72 degrees at the center. Find the length of the rope. सर एक बार आंसर रिपीट कर दो क्वेश्चन। बेटा दिख ही रहा है बोर्ड पे? बोल। सर वो समझ नहीं आ रहा आपने इसके याद चल गया। When it has stretched out. अब देखो सर जैसे ये 72 degrees बना रहा है, ये पोस्ट है, यहाँ पर हॉर्स यहाँ पर मूव कर रहा है, ये रोप है, तो ये रोप की लेंथ मैंने देखी इस्तेमाल में कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर 72 degrees और कितना मीटर मूव चल रहा है बेटा 88 meters। अरे वही 72 degrees सेंटर पे बना रहा है, रेडियस आर इसकी लेंथ तो रोप होगी आर और 88 meters। तो बेटा ये आपका आर्क लेंथ हो गया, ये आर है, डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन। तो देखो सर थीटा इक्वल टू 72 degrees, ये रेडियन में आ गया 2π/5 रेडियन। Now S equal to R theta. मुझे R की वैल्यू निकालनी है, R मतलब रोप। तो S है आपका 88 meters, R निकालना है, थीटा हो गया 2π/5। अब यहाँ आप पाई की वैल्यू रख सकते हो क्योंकि ये 88 11 का मल्टीपल है और पाई भी 11 का मल्टीपल में आता है 22/7। तो देखो इधर 44 से ये 2 times कैंसिल हो गया, तो हमारा R कितना आ गया बताओ? What is the length of the rope? कितना आया? 70 meters. So therefore, length of the rope is 70 meters. इसमें कोई डाउट किसी को?
नो सर, लिख लीजिए लेंथ ऑफ रॉप इक्वल टू 17 इंच। हो गया नेक्स्ट। अब देखो हम टाइम की बात करते हैं भाई कि मिनट एंड और आवर एंड। अब आपको ये बताया कि मिनट जैसा आवर एंड की बात कर रहे हैं तो पूरा 70 डिग्री का लगा था 360 कितना आवर में 12 आवर। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर किस तरह से लिखोगे आवर एंड, आवर एंड सब्टेंड 360 डिग्री इन 12 आवर। तो देयरफॉर एंगल सब्टेंडेड बाई आवर एंड इन 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। 360 डिग्री 12 आवर में कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा 30 डिग्री। 1 आवर में ये 30 डिग्री सब्टेंड करेगा। इसमें किसी को डाउट ऑनलाइन, किसी को डाउट? नो सर, नो सर। चलिए अब इसके बाद देखो सर मिनट एंड सब्टेंड 360 डिग्री इन हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट में करता है 60। तो देयरफॉर एंगल सब्टेंडेड बाय मिनट एंड इन 1 मिनट ठीक ठीक ये दोनों याद रखिए। अब इस पर प्रॉब्लम कैसे करेंगे वो अभी बता दें। इसको देखिए अब देखो इसमें क्या है एक्चुअल में। अब आपके एमसीक्यू मुझे पता नहीं है कि अभी आपके भी वही कंसेप्ट लगेगा कि जो 10th और 12th का लग रहा है। 10th और 12th का जिसका जो कंसेप्ट बनाना होगा उनके दो पार्ट में कर दिए टर्म 1 टर्म 2 ताकि पेपर कैंसिल नहीं हो। उन्होंने क्या किया है कि जैसे 10th का भी इस बार कैंसिल हो गया था तुम्हारा तो उन्होंने क्या करा आप टर्म 1 और टर्म 2 में दो पेपर लेंगे। टर्म 1 पूरा एमसीक्यू लेंगे जिसमें 50% कोर्स आएंगे और टर्म 2 में अगला 50% कोर्स है वो सब्जेक्ट ही होगा लास्ट वाला यदि होगा तो। यदि यानी जैसे अभी जैसे तुम्हारा नहीं हुआ उनका भी नहीं हो पाया तो पहले वाले टर्म 1 में जो मार्क्स थे उसके हिसाब से और इंटरनल के मार्क्स के हिसाब से देंगे। तो अभी क्या हुआ तुम्हारा टर्म 1 का हुआ था तो हाँ तो वो वैसे ही उनका वो कर दिया वो फिक्स कर दिया सभी के लिए वो एमसीक्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी 90 मिनट का लेंगे।
लेकिन अब क्या हुआ कि सेकंड टर्म में आपका पूरा कोर्स नहीं है, वो उनके आधा ही कोर्स है, मतलब ये उनका पार्ट वो हर बार ऐसे ही लगता है। चलिए अब जबरदस्त लिखो, एक मिनट टाइम है नहीं है, वन मिनट रह गया बेटा, दोबारा कनेक्ट करो तुम, ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट करो।